करते ये पांचवा सीजन है, पांचवा सीजन सर भाई, बहुत ही सक्सेसफुली इस कॉन्सर्ट को साल दर साल करते आए हैं और आई थिंक आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट ट्वाइस ऑलरेडी एंड दिस इज द थर्ड टाइम, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ रहमते फाइव. संगीतम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट्स अ वंडरफुल चैरिटेबल कॉज के लिए करते हैं और सबसे हमें खुशी की बात ये होती है कि कई बार हम लोग काफ़ी चैरिटेबल शो से जुड़े होते हैं और देखते हैं कि हमारे ही फ्रेटर्निटी या फिर जो ये म्यूजिकल कॉम है उन्हीं में कितने सारे हमारे बहन भाई हैं जो हु आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ फाइनेंशियल एंड पर्सनल टाइम इन देयर लाइफ्स. सिर्फ मनी इज़ नॉट द ओनली थिंग, सर्टन रिस्पेक्ट, सर्टन लोगों उन्हें याद करें कि इनकी ये कॉन्ट्रीब्यूशन थी, ये जब होता है ना वो भी उनको एक नया एक फ्यूल देती है, ईंधन देती है कि और हमें जीना है और यू नो एक डिग्निटी मिलता है उससे. तो मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मुझे बुलावा आता है, हर बार तो अनुप जी की तरह हर बार तो मैं नहीं आ पाऊँगा. आप नहीं नहीं मैं तो आई एम रेडी टू कम एवरी ईयर बट इनविटेशन जब आएगा तभी आऊंगा ना मैं. तो इस बार वी फेल दैट आई कुड कम बैक एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट. रहमते का जो कॉन्सेप्ट है इट्स अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट. तो अब तक ज़्यादातर हम एक ट्रिब्यूट स्टाइल ही रखे हैं क्योंकि अगर आप जो अपने गाने जो हर शो में करते हैं वही चीज़ आप यहाँ भी करोगे तो फिर यहाँ के लिए आपने अलग क्या किया, ये जो हम रिहर्स कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हम कुछ अलग, कुछ अनूठा, कुछ नया ऑडियंस को दे पाएँ और हमारे लिए भी एक बहुत एक सुनहरा मौका होता है कि हम कुछ अलग कर पाएँ, वरना हमारे शोज़ में वही गाने गाते आ रहे थे. तो मैंने इस बार सोचा है कि चूँकि म्यूज़िकल ट्रिब्यूट है तो एक ऐसे म्यूज़िकल इंसान को मैं ट्रिब्यूट दूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे पिताजी, और उनके बारे में शायद लोग इतना नहीं जानते लेकिन उनके उनकी उनकी जो कला थी, उनकी कला के प्रति जो उनकी जो एक निष्ठा थी, जो एक इंटेग्रिटी थी वो वाकई कमाल की थी. और जब मैं इंडस्ट्री में आया और लोगों से मिला आई रियलाइज ही इज़ वर्थ इवन मोर. तो लेकिन कभी मुझे हिम्मत नहीं हुई कि उनके बारे में कुछ कहूँ या उनके गाने गाऊँ, यही सोचता था कि एक कमर्शियल एनवायरनमेंट में ये पर्सनल बातें कौन सुनना चाहेगा, कौन देखना चाहेगा. लेकिन सौरभ भाई ने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा आइडिया है और आप करो. और पिताजी के साथ जो शायर जो लोग जुड़े थे, मेरा फाजी साहब, योगेश जी, तो उनको भी ट्रिब्यूट देते हुए कुछ उनके भी गाने, सलिलदा के पिताजी असिस्टेंट थे तो सलील चौधरी जी के गाने, कल्याणजी बैनर्जी भाई के भी वो असिस्टेंट थे तो उनके कुछ गाने, तो उस तरह से एक माहौल बनाकर कुछ गाने बनेंगे. तो नए पुराने सारी चीज़ें होंगी, साथ साथ लोग कहेंगे भी शान आए तो अपने एक आध गाने तो होने चाहिए, तो एक आध अपना गाना भी करेंगे.